नमस्कार, आप देख रहे हैं INS 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शांतनु श्रीवास्तव। आज भारतवर्ष किस दिशा में जा रही है, क्यों पहले यह देश जगत गुरु था और आज क्यों नहीं है। भारत 1947 के बाद से, जब से इस देश को आजादी मिली है, तब से लेकर आज तक प्रगति की राह पर अग्रसर है, परंतु पूर्णतः प्रगतिशील नहीं बन पाया, यानी विकसित नहीं बन पाया। आखिर क्यों? हमारे छात्र, हमारे नौजवान, हमारे विद्यार्थी किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं? क्या उन्हें अच्छे गुरु का ज्ञान नहीं मिल रहा है? क्या उनका मार्गदर्शन अच्छा नहीं हो रहा है? क्योंकि गुरु के ज्ञान के बिना इंसान का जीवन अधूरा है। कहा भी गया है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मय श्री गुरुवे नमः, मातृवत लालित्र चह पितृवत मार्गदर्शिका, नमस्तुते गुरु सत्ताय सर्वदा प्रज्ञा युताचया। मतलब एक ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो माता की तरह प्यार दे और पिता की तरह ताड़ना दे और एक अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे, ताकि हमारा जो हमारी जो परंपरा रही है, हमारे जो छात्र पहले के रहे हैं, वो इस देश की पताका को, इस देश की संस्कृति को, इसकी सभ्यता को दुनिया के रंगमंच तक फैलाया है, आज भी वैसा हो जाए और हमारा देश अपने संस्कृति और सभ्यता को लेकर आगे बढ़े और पूर्ण रूप से विकसित हो जाए। इसी खास चर्चाओं पर आज हमारे बीच मौजूद हैं हमारे शहर के प्रसिद्ध शिक्षाविद, इंग्लिश के प्रोफेसर प्रिया रंजन चौबे उर्फ गुड्डू चौबे जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे तमाम दर्शकों के तरफ से। सर, मैं जानना चाहूँगा कि शिक्षक और विद्यार्थी का आपसी संबंध कैसा होना चाहिए? वैदिक काल से ही गुरु और शिष्य की जो परंपरा रही है वह हमारी भारतीय संस्कृति की रीढ़ रही है। गुरु रास्ते को बतलाने वाला होता है जी, और चलना तो होता है शिष्य को ही जी जी, यानी कि हम उसको कह सकते हैं कि वो गाइड है जी, तो गाइड है, ट्रेनर है जी, तो उस ट्रेनर को क्रिकेट के मैदान में जाकर बैटिंग नहीं करनी है, बैटिंग तो करनी है प्लेयर को ही, किसी बैट्समैन को ही जी जी। तो उसी प्रकार रास्ता बतलाने वाला कैसा है यह भी निर्भर करता जी है जी जी। तो जब रास्ता बतलाने वाला सही है और उस पर चलने वाला अगर उस मार्ग पर सही दिशा में जा रहा है तो एक अच्छे परिणाम की कल्पना की जा सकती है जी जी। और किसी भी राष्ट्र को मजबूत बनाने में जी गुरु का, शिक्षक का एक बहुत बड़ा योगदान होता है जी जी। और चाणक्य ने भी कहा था कि गुरु के गोद में सृजन और विनाश दोनों होते हैं जी जी। तो आखिर गुरु चाहता क्या है, सृजन चाहता है या विनाश चाहता है? वह दोनों कर सकता है। तो हमारी भारतीय संस्कृति में रही है, हमारे वैदिक काल से ही बात रही है कि गुरु हमेशा सही मार्ग को ही दिखलाया है। जहाँ तक वर्तमान परिस्थिति है भारत की, तो हम तो आगे बढ़ ही रहे हैं जी जी, लेकिन विश्व गुरु बनने के लिए तरह तरह के अलग अलग आयाम हैं, कोई एक नहीं है जी जी, जिसमें कि गुरु की भूमिका अहम हो जाती है जी। मान कर चला जाए कि एक नदी को पार करनी है जी जी, जोरों का तूफान है जी जी, तो उस नदी को पार करने के लिए तो नाव और पतवार दोनों की जरूरत है जी जी। तो उसी प्रकार भारत के समय में तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं जी, उन समस्याओं को भारत को पार करना है, इसमें गुरु की भूमिका अहम हो जा रही है। तो गुरु रियली देखा जाए तो एक नाव के रूप में है, उसके पास वह अनुभवी है जी जी। तो गुरु के पास क्या है, अनुभव रूपी नाव है जी। लेकिन वह ऊर्जावान अब नहीं रह गया जी जी। तो ऊर्जा कहां से आए, तो ऊर्जा वो नौजवान हो गया, यानी शक्ति वो नौजवान हो गया। तो गुरु रूपी नाव जी जी और शक्ति रूपी, ऊर्जा रूपी नौजवान जी जी, यानी वो पतवार जी। तो वो पतवार और नाव जब दोनों का मिलन होगा जी, तो एक सही परिणाम निकल सकता है जी जी, यानी किसी भी झंझावात से भारत निकल सकता है यदि हम गुरु के अनुभव का
उपयोग करें, प्रयोग करें और साथ में ऊर्जावान लक्ष्य लेकर के चलने वाले नौजवान हो, तो किसी भी झंझावत से भारत पार कर सकता है, जो कि कर भी रहा है। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा ऐसा देश है जिसमें कि प्रतिशत हम लोग का नौजवानों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो अब रह गई बात कि रास्ता दिखलाने वाला, तो रास्ता दिखलाने वाला सही होना चाहिए। तो सर जैसे एक और प्रश्न आया हमारे जहन में कि अभी के वर्तमानिक परिवेश जो है, इस परिवेश में छात्र और जो शिक्षक का जो संबंध है वो थोड़ा सा कहीं कहीं सुनने में गड़बड़ मिल जाता है, क्योंकि तो छात्र जो है शिक्षक के साथ गलत व्यवहार कर देते हैं या शिक्षक जो है छात्र के साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं, उन शिक्षकों के लिए आप क्या कहेंगे? मैं यहाँ पर कुछ आपसे डिफर कर रहा हूँ, भिन्न कर रहा हूँ, मेरी बात कुछ अलग हो जा रही है आपसे। वही हो रही है कि जैसे कि आप कहिएगा कि कोई ऑपरेशन हुआ जी और मरीज मर गया जी, तो ऑपरेशन हुआ मरीज मर गया यानी ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर था जी, तो आपका कहना है कि आजकल डॉक्टर्स जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें मरीज मारे जा रहे हैं जी, लेकिन थोड़ा करीब जाकर देखिए तो वो डॉक्टर था या नहीं। वह गुरु शिष्य की अभी बात चर्चा चली, तो क्या वैदिक काल की परंपरा को हम अभी निभाते हुए गुरु की भूमिका में है या नहीं है जी। अगर गुरु की भूमिका में है तो यह संभव ही नहीं है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में यह एक भी उदाहरण आप नहीं दिखला सकते हैं कि कहीं भी शिष्य ने गुरु के खिलाफ कुछ काम किया हो या गुरु ने कभी शिष्य को प्रताड़ित किया हो जी या उसकी हानि किया हो। अरे हमारी हमारी हमारा तो इतिहास रहा है कि गुरु अपने शिष्य के लिए अपने आप को बदनाम करने के लिए भी तैयार हो गया। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि गुरु अगर आहुति दिया है तो जरा देखिए कि अकलब का अंगूठा मांगने के पीछे कारण क्या रहा होगा जी। अर्जुन को जिताना जी बिल्कुल। तो द्रोणाचार्य गुरु की भूमिका में रहते हुए क्या उन्होंने यह गलती की तो जानकर नहीं की थी जी? तो गुरु तो शिष्य के लिए सब कुछ अर्पित कर देता है, वो तो माँ के समान है, पिता के समान है। और हमारे धर्मों में वेदों पर कहा गया कि गुरु माता पिता से भी ऊपर है, देवतुल्य है, देवतुल्य। तो ये जो आपने कहा कि अभी कुछ गलत चल रहा है समाज में, गलत व्यवहार हो जा रहा है, ऐसे शिक्षकों को वो ना तो खबरें आती हैं मीडिया के माध्यम से, ना तो वो शिक्षक हैं जी, ना तो वो गुरु हैं और ना वो शिष्य है। बिल्कुल, जब गुरु और शिष्य की बात आ जाएगी तो यह कल्पना ही नहीं की जा सकती है, कहीं ना कहीं आप गुरु नहीं है और कहीं ना कहीं वह शिष्य नहीं है। जब गुरु और शिष्य की, जब माँ की बात आ गई तो हमानता रहेगी ही। आप कहिएगा किसी माँ ने अपने बच्चे की हत्या कर दी तो मान तो चला जाएगा, वो तो माँ नाम शब्द है ही नहीं, माँ इक्वल टू ही ममता हो गया, माँ इक्वल टू ही दया हो गया, माँ इक्वल टू ही समर्पण हो गया, कुर्बानी हो गई, बलिदान हो गया। तो जब उस करती ही नहीं तो माँ शब्द का प्रयोग उसके लिए किया ही नहीं जाएगा, तो गुरु शब्द का प्रयोग उनके लिए किया ही नहीं जाए और छात्र शब्द का प्रयोग, शिष्य शब्द का प्रयोग उसके लिए नहीं किया जाए। एक और प्रश्न है सर कि चूंकि अभी के समय में जैसा हमने पढ़ा है कि अभी के समय में डॉक्टर बनना आसान है, एक IPS अधिकारी भी अगर अच्छे गुरु के सानिध्य में रहे तो बनना आसान है, लेकिन एक अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी बनना आसान नहीं है। तो जैसे मैं क्वेश्चन कहूँ कि शिक्षा अभी बच्चों को मिल रही है लेकिन विद्या जो है वो नहीं मिल रही है, यानी संस्कार नहीं मिल रहा है। तो जो संस्कार और शिक्षा का जब तक समन्वय नहीं होता है तब तक विद्या का जन्म नहीं होता है। तो विद्या की प्राप्ति बच्चे कैसे करें संस्कार के माध्यम से, उसको बारे में देखिए शिक्षा तो दैट इज लर्निंग, इंग्लिश में इसको कहेंगे जी लर्निंग है। और जो हम लोग आपको बच्चों को देते हैं जी वह इंफॉर्मेशन हुआ जी, इंफॉर्मेशन यह हुआ कि 2+2=4 जी। उस लड़के को सिखाया गया, उसको सूचित किया गया कि 2 और 2 3 नहीं 4 ही होते हैं। जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फलाना जगह दुर्घटना हो गई तो इतने लोग मारे गए न्यूज़ से, तो उसको इन्फॉर्मेशन दी गई, तो वह हुआ लर्निंग और ये वही शिक्षा है। और ज्ञान जो है, ज्ञान और शिक्षा अलग अलग चीज़ें हैं जी। तो गुरु का काम है, कहते बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ, कहा गया जी। तो रियली ज्ञान जो है वो प्राप्ति के लिए गुरु शिष्य को प्रेरित करता है और प्रेरित होकर के शिष्य उस ज्ञान को प्राप्त करता है जो कि स्व प्राप्त कहा जाएगा। बिल्कुल, वह सेल्फ होता है। शिक्षा हम कहीं से पाते हैं और ज्ञान जो है वह स्व अनुभूति होती है।
स्व प्राप्ति होती है, स्वयं कोशिश करके प्राप्त कर लेना। मान लिया जाए एक माँ कहती है कि बेटा उस जलती हुई चीज को मत छूना, वो मोमबत्ती है, हाथ जला देगी, बिल्कुल हाँ तुम्हारा जल जाएगा। तो यह इंफॉर्मेशन हो गया, यह दैट इज कॉल्ड लर्निंग, बिल्कुल जिसको आप शिक्षा कहेंगे जी। और लड़का उत्सुकता बस जा करके और कहा कि अरे माँ रोज क्यों मना करती है, मैं उसको छूंगा छूंगा छूंगा, और वो छू दे और हाथ जल जाए, तो दैट इज ज्ञान, बिल्कुल यानी आत्मसात करना होगा शिक्षा को, उसमें बताए जो मार्ग है उसको आत्मसात करना होगा, यह ज्ञान। तो अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ज्ञान की प्राप्ति ही जो अभी आपने कहा कि ज्ञान जो है वो आपका प्रश्न था कि शिक्षा क्या है, ज्ञान क्या है और उसका समुचित कैसे प्रकार प्रयोग हो, हाँ उसका प्रयोग कैसे, ऐसा ही कुछ बोला जी, बिल्कुल। तो शिक्षा तो इंफॉर्मेशन हो गया, ज्ञान जो सेल्फ होगा, तो चलिए हम ज्ञान प्राप्त कर लिए, तो ज्ञान प्राप्त कर लिए तो ज्ञान तभी तक लाभकारी है जी जी, सृजनकारी है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए या विश्व के लिए, तब तक जब तक उस पर विवेक का अंकुश ना लगा हो, जब तक विवेक का अंकुश नहीं लगेगा वह ज्ञान विध्वंसकारी हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल में आप आइए, अपने धर्म में ही आइए, रावण न भूतो न भविष्यति, लेकिन ज्ञानी होने के बावजूद भी विवेकहीन हो गया रावण। आइए वर्तमान में आइए, इधर विश्व युद्ध के तरफ, E=mc² आइंस्टीन ने बना दिया जी जी, और E=mc² रियली भारत के ऋषि मुनियों के पास होना चाहिए था। अब E=mc² मिल गया किसको, तो अमेरिका को, और अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी जैसा उदाहरण पेश कर दिया, बम का प्रयोग कर दिया। तो ज्ञान किसके हाथ में है, ज्ञान का प्रयोग कैसे किया जाए, इसके लिए विवेकशील होना चाहिए। ऋषि मुनियों के हाथ में वो बम होना चाहिए था, तो रेगिस्तान को के जगह पर सागर बहाता, पानी आता, नदी आती, पत्थरों पहाड़ों को तोड़ा जाता, तो वह हिरोशिमा नागासाकी जैसा जैसे कांड हो गए। तो ज्ञान पर विवेक का जब तक अंकुश नहीं रहेगा, ज्ञान कभी भी सृजनकारी हो ही नहीं सकता है। सर क्या एक और प्रश्न है, जैसे भारत सरकार ने 370 हटा दिया, एक प्रश्न हमेशा कोचता है हृदय के अंदर कि हमारे, जैसे हम सोचते हैं कि हमारी संस्कृति और सभ्यता का विकास उस समय तक संभव नहीं है जब तक हमारी जो पौराणिक संस्कृति रही है, जैसे वैदिक संस्कृति हो, चाहे वो किसी धर्म की हो, इस्लाम धर्म की संस्कृति हो, या आपको बौद्ध धर्म की संस्कृति सभ्यता हो, या ईसाई धर्म की, उसकी पुनः जो है हमारे बच्चों को, हमारे छात्रों को उसकी समुचित ज्ञान जो है पाठ्यक्रम के आधार पर नहीं दिया जा रहा है, तो क्या ये होना चाहिए? देखिए मैं आपकी सारी बातों को तो फिर दोबारा नहीं दोहराऊंगा, मैं वैदिक संस्कृति के बारे में बताऊंगा जी जी, और वैदिक संस्कृति की जब बात आ जाती है तो उसके बाद सभी संस्कृतियाँ उसके सामने, मैं समझता हूँ कि उसकी चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह वैदिक संस्कृति जो है, भारतीय जो संस्कृति है, वह सिर्फ अपने राष्ट्र की नहीं है, अपने राष्ट्र के बारे में जी जी में नहीं होता है। आप अंत में देखते होंगे कि हमारे यहाँ क्या होता है कि जब आरती हो जाती है, तो आरती के बाद जब जयकार लगाया जाता है, तो यार देखिएगा कि अड़ोस पड़ोस मोहल्ला टोला समाज को लेते 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 विश्व का कल्याण हो होता है जी। यह भारतीय संस्कृति में ही संभव है, वसुधा कुटुंबकम भारतीय संस्कृति में ही संभव है। तो वैदिक जब बात आ जाती है, वैदिक काल की बात आ जाती है, वैदिक संस्कृति की बात आ जाती है, तो सभी ये सागर है जी, और ये छोटे 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 नाले हैं, छोटी छोटी नदियां हैं जो कि सागर में समाहित हो गई हैं जी जी। तो वैदिक संस्कृति की जब बात आ जाती है, तो सारी संस्कृतियां गौण हो गई, वही सर्व है हमारी भारतीय संस्कृति। मतलब भारत ये हमारा सजेशन था सर कि भारत सरकार एगो 31 धारा है जिसमें जिसको रोक दी कि आप पाठ्यक्रम में पौराणिक संस्कृतियों को बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, 370 हटा दिया, बहुत सारी धाराएं, अच्छा काम किया, लेकिन इस पर 30A पर उसने गौर क्यों नहीं किया, तो थोड़ा एज ए शिक्षक वैदिक संस्कृति को हमारे पाठ्यक्रम में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो देखिए वैदिक संस्कृति को हमारे पाठ्यक्रम में अवश्य ही आना चाहिए जी जी, हमारी वैदिक संस्कृति ही बतलाएगी कि पिता के कहने पर होने वाला राजकुमार, होने वाला राजा
जिसका राजाभिषेक होगा और वह वनवास चला जाता है पिता की आज्ञा मानकर। वैदिक संस्कृति ही बतलाएगी कि अपने माँ और पिता को कंधों पर बैठा करके चारों धाम करवा रहा है। जी जी, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। तो आज वैदिक संस्कृति से हम जैसे जैसे दूर चले जा रहे हैं वैसे वैसे वृद्धाश्रम खुल रहा है। जी जी, वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। हम जितनी एजुकेटेड होते चल रहे जा रहे हैं, पश्चिमी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, वृद्धाश्रम खुल रहा है। पश्चिमी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, तरह तरह के कांड हो जा रहे हैं। तो वैदिक संस्कृति हमें सभ्य बनाएगी, हमें सुसंस्कृत बनाएगी और हम अपने साथ साथ राष्ट्र के और विश्व के कल्याण हेतु सोचेंगे। कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो प्रायः यही सोचते हैं कि इससे हमें क्या मिलेगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भी कहा कि वर्क फॉर योरसेल्फ एंड द सोसाइटी, इन द सोसाइटी यू विल जस्ट लिव। जी जी, सोसाइटी बिहाइंड यू। कह रहा है कि अपने लिए काम करेंगे, सेल्फ के लिए भी, स्व के लिए और पर के लिए भी। तो स्व रह जाता है, पर हट जाता है। वैदिक संस्कृति जब आएगी, वैदिक संस्कृति काल को जब हम इसमें पढ़ाएंगे, लाएंगे, अपने सिलेबस में रखेंगे, पाठ्यक्रम में रखेंगे, तो तब हमारे छात्र नौजवान बचपन से ही सीखना शुरू करेंगे कि नहीं, अपने लिए भी जियो और समाज दूसरे के लिए भी जियो, लिव एंड लेट देम लिव। तब यह चलेगा। वैदिक संस्कृति के अलावा कोई भी ऐसी संस्कृति ही नहीं है जो कि विश्व को लेकर चले, विश्व बंधुत्व को लेकर चले। वैदिक काल की जो बात है, वैदिक संस्कृति जो है, उसे हमें पाठ्यक्रम में लाना ही अनिवार्य है। अन्यथा देखिए, देख रहे हैं हम लोग धीरे 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 आने वाली पीढ़ी अपने माँ पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है, या वही जब टीचर बन जाएगा जिसको आप कह रहे हैं गुरु बन के साथ गलत व्यवहार हो जा रहा है। क्यों क्यों? क्योंकि वह वैदिक संस्कृति से हम दूर होते चले जा रहे हैं। जब तक वैदिक संस्कृति के पास नहीं रहेंगे, हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। महात्मा गांधी कहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में बोले हैं क्या कि विदेशी यूरोपियन पश्चिमी देशों की सभ्यता और संस्कृति उनके अनुसार सही है जी। हमारी सभ्यता और संस्कृति हमारे जलवायु के अनुसार सही है। वो अपने जगह पर सही है, हम अपने जगह पर सही है, लेकिन उसको अपनाना का मतलब है कि यह घातक होगा भारतीय संस्कृति के लिए, भारत के भविष्य के लिए। खुद गांधी जी ने कहा है, गांधी ने कहा कि मैं उससे नफरत नहीं करता हूँ, पश्चिमोत्तर यूरोपियन सिविलाइजेशन से, मैं कल्चर से मैं नफरत नहीं करता हूँ, कहें गांधी जी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मैं उसे अपना लूँ। पश्चिम देश की बातें उनके लिए सही हैं, हमारे लिए हमारे लिए सही है। मैं तो यही कहूँगा बच्चों से, आपसे, समाज से, सबसे, कि एक छोटा सा बच्चा जिस प्रकार अपनी माँ की छाती से हटना नहीं चाहता है, रोने लगता है, उसी प्रकार हमें भी अपनी भारतीय संस्कृति से चिपके रहना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही मेरी माँ है। एक सर और जानना चाहते हैं कि जैसे हमारा जो बिहार है, ये उन्नतशील बिहार रहा है और उसका खास पहला गणतंत्र देने वाला बिहार, गणतांत्रिक देश अगर भारत बना या विश्व गणतंत्र की परिभाषा जाना तो सबसे पहले बिहार वैशाली से है और उसका मूल कारण हमको लगता है नालंदा विश्वविद्यालय रहा। तो एक प्रश्न ऐसा है कि नालंदा विश्वविद्यालय ऐसा विद्यालय पुनः इस देश में होना चाहिए कि नहीं? देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में यही जानकारी है कि यहाँ विश्व के कोने कोने से छात्र ही नहीं आते थे बल्कि विद्वान लोग भी आए हैं। चाइना से तो बहुत अधिक आए। जी जी, तो विद्वान आते थे यहाँ हमारे यहाँ ज्ञान प्राप्त करने। जी जी, तो विद्यार्थी की बात हटाइए, लेकिन उसको जो नष्ट किया गया, वहाँ के पुस्तकालय को जो नष्ट किया गया, तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो शिक्षा पद्धति थी वह निश्चित रूप से वैदिक रूप में थी। वहाँ पर क्लासेज लिए जाते थे धर्म से रिलेटेड, यहाँ तक कि धर्म से रिलेटेड क्लासेज जो लिए जाते थे तो वह विद्यार्थी फ्री रहता था, वह कोई भी धर्म का ज्ञान ले सकता था। ठीक, तो नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण के लिए, उसको बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा तो कदम उठाए जा रहे हैं,
लेकिन मैं छोटा सा बोलता हूँ सेकुलर, तो हमें उम्मीद है कि ये सेकुलर कहलाने वाले लोग शायद वैदिक काल की बातों को भूल जाएं और उसमें सम्मिलित नहीं करें, जो कि सही नहीं है, होना चाहिए। सर, अंत में मैं चाहूँगा, चूँकि ये हम आप विद्यार्थियों को हमेशा शिक्षण देते रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों को आपने उच्च अधिकारी भी बनाया है, तो अभी जो हमारे बच्चे जो हैं शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, उन सभी को उनका मार्गदर्शन करें कि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करें। लक्ष्य क्या है सबसे पहले तो निर्धारित कर लें, और ध्यान में रखेंगे बस यही कि कहा गया है इंग्लिश में, ऑनेस्ट लेबर नेवर गोज इन वैन। जी हैं, सच्चे सच्ची है मन से किया गया प्रयास है, मेहनत कभी विफल नहीं होती है। लेकिन उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, जोड़ने की कोशिश करता हूँ, या यूँ कि ये धृष्टता कर रहा हूँ कि पूर्वजों ने हमारे कहे हैं, हमारे पूर्वजों ने कहा कि ईमानदारी से किया गया की गई मेहनत कभी विफल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी से किए गए मेहनत के साथ साथ सही दिशा होनी चाहिए। जी, ईमानदारी से किए गए मेहनत के साथ साथ सही दिशा हो तो फल की प्राप्ति होगी, अच्छा परिणाम होगा। और सत्य तो यही है कि सबसे पहले आप इंजीनियर, डॉक्टर या जो भी आप लक्ष्य क्रिकेटर बनना चाहते हैं या कुछ भी बने, उसके लिए प्रयास जरूर करें, लेकिन ईमानदारी से करें। और साथ में यदि आप में किसी प्रकार का नैतिकता संबंधित कमी है तो सारे लक्ष्य बेकार हैं। आप कलेक्टर बन सकते हैं, आप कोई बहुत बड़ा नेता बन सकते हैं, बहुत बड़े सिंगर बन सकते हैं, क्रिकेटर बन सकते हैं, लेकिन नैतिकता की अगर कमी आ गई तो सभी खत्म है। इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा बच्चों से कि तुम सब कुछ बनो, लेकिन सबसे पहले विश्व का एक अच्छा नागरिक बनो। विश्व का अच्छा नागरिक बन जाओगे, स्वतः सब चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना बहुत ही कीमती समय निकाला, इसके लिए मैं अपने पूरे टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही आप सभी को मैं बताता हूँ कि ऐसे ही ऐसे बड़े बड़े विद्वतगण इस चंपारण की धरती पर हैं, उन सभी से मैं आगे आने वाले दिनों में आप सभी को रूबरू कराऊंगा। और इसको जानने के लिए, उनको समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।